नमस्कार, शीतल्स किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं बीटरूट पराठा। नाश्ते में रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता है क्या करें क्या बनाएं, तो ये बहुत ही अच्छा हेल्दी नाश्ता है बीटरूट का। आइए बनाते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। ये हमने बीटरूट लिया है एक लार्ज साइज का, उसको हम पानी में बॉईल करेंगे। पानी बॉईल हो गया है, अब हम बीटरूट डाल देंगे। कम से कम 8-10 मिनट तक बॉईल करेंगे ढककर। ये देखिए बीट पक चुका है, अब हम एक बॉल में निकाल लेंगे। और ठंडा होने पर मिक्सर में पीस लेंगे, और जो उसका पानी बचा है वो हम रखेंगे, इससे आटा गूंथ लेंगे। हमने 2-3 आलू बॉईल कर लिए थे स्टफिंग के लिए, उसमें हम मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च हमने एक ले ली है। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अमचूर पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून, और हरा धनिया डाल देंगे, मिक्स करेंगे। बीटरूट हमारा ठंडा हो गया है, आइए हम मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। एक बॉल में हम आटा लगाएंगे, डो बनाएंगे पराठे के लिए। उसके 2 कप हम गेहूं का आटा लेंगे। अजवाइन डालेंगे 1/4 टीस्पून, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून हम अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। हमने जो बीटरूट पीस लिया था मिक्सर में वो डालेंगे। मिक्स करेंगे। ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें पानी और लगेगा हमको डो बनाने के लिए। जो बीटरूट का पानी बचा था वो हम डाल देंगे। देखिए डो हमारा बिल्कुल रेडी है, सॉफ्ट आटा बनाना है हमको। थोड़ी देर के लिए हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, फिर पराठे बनाते हैं। डो के ऊपर हम थोड़ा तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे। आइए पराठा बेलते हैं। तेल लगाएंगे, आलू का मसाला रखेंगे, फोल्ड करेंगे, फिर थोड़ा तेल ऊपर से इसको स्प्रेड करेंगे।
फिर से फोल्ड कर लेंगे त्रिकोण शेप में। अब इसको बेलेंगे हम। ये देखिए त्रिकोण शेप में हमने बेल लिया है। अब हम तवे पर इसको सेक लेंगे। हमारा तवा गर्म हो गया है, आइए हम पराठा डालते हैं। आप बिना स्टफिंग के भी बना सकते हैं, नॉर्मल सादा पराठा। फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे ताकि हमारे पराठे अच्छे क्रिस्पी बने। तेल लगाएंगे थोड़ा। ये देखिए हमारा पराठा सिक चुका है, क्रिस्पी बना है काफी। इसी तरह हम सारे पराठे बना लेंगे। हमारे पराठे बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं, स्वादिष्ट बिल्कुल।